सजीदों को नमन करते हैं। स्टार्ट आज का जो चैप्टर है, चैप्टर आज करेंगे 17.4। पिछले वीडियो आपने देखे होंगे, बताओ कैसे लग रहे हैं वीडियो, तारीफ करो या फिर जो आपके कमेंट हैं नेगेटिव है पॉजिटिव है आने जरूरी है। इससे मेरे को पता नहीं चलेगा कि भाई आपके जो राय है वो क्या है, आप कुछ कहना चाह रहे हो नहीं हो। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो आपका टेलीग्राम चैनल है हमारा वो ज्वाइन कर लीजिए, सेम टू सेम इसी नाम से है, दीवान ट्यूटर नाम से ही है, सर्च कर लीजिएगा, सबसे पहले हमारा नाम आएगा। वहां पे हम क्या करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइलें हैं, किसी भी चीज की पीडीएफ फाइल है वो वहां पे डालता रहता हूं। करते हैं 17.4। जो 17.4 है इसमें हम करेंगे कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, अर्थमेटिक मीन निकालेंगे किससे, कल्पित माध्य विधि से। कल्पित माध्य विधि क्या है ये भी चीज समझेंगे, और आज के इस वीडियो में हम करेंगे सीधा कल्पित माध्य से क्या करना, समांतर माध्य ज्ञात करना। तो मैं हूं आपका दोस्त और आपका ट्यूटर संदीप सुनारिया, एक बार फिर स्वागत करता हूं दीवान ट्यूटर यूट्यूब चैनल पे। करते हैं आज का 17.4 कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है देखना है, अंतर देखना है। एक सवाल देख लिया पूरा समझ में आ जाएगा, एक सवाल देख लिया पूरा चैप्टर आ जाएगा, एक सवाल देख लिया पूरी एग्जाम निकाल दोगे, ठीक है। यहां से देखते हैं, अक्ष और एफ आपके पास दिया होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं डी निकालते हैं। डी का जो मान है वो निकलता है अक्ष में से ए घटाकर। जो हमारा कल्पित माध्य है उसको हम लिखते हैं ए से, तो यहाँ पे हमें कल्पित माध्य माना है कौन सा। देखो जो हम या तो एक क्वेश्चन में दिया होगा कि कल्पित माध्य आप इतना मान के कर लो, या फिर पर्टिकुलर हम मान लेते हैं कौन सा, जो बीच का सा निकाल लेते हैं, सबके बीच का निकाल लेते हैं, यहाँ पे 900 है तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ, कल्पित माध्य मान लेता हूँ। ए का मान आ गया 900 यानी 900। यहां से अक्ष में से ये अक्ष है, अक्ष में से घटा के लिख दो, अक्ष में से जब ए को घटाते हैं तो आपका डी आता है, यानी डी की टेबल आ जाएगी। तो अक्ष में से 900 घटाया यानी 800 में से 900 गए, माइनस के आ गए कितने 100, यहाँ पे माइनस के आ जाएंगे 80, यहाँ पे माइनस के 40, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके 00। आई बात समझ में, क्यों आएंगे 900 माइनस 900, यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 20, यहाँ पे आ गए 80, और यहाँ पे कितना है ये 100 है क्या, 100 है तो भाई कितने आ जाएंगे 800 आ जाएंगे, क्या दिक्कत आ रही है। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 100 है कितना है 1000 है कितना है, ये 1000 है भाई, ये 1000 है यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है ये 100 आ गया। बताओ ये चीज आई के क्लियर हुई क्या इतनी। डी निकाल लिया हमने, और डी निकालने के बाद हम क्या करते हैं एफ गुणा डी करते हैं, क्या करते हैं एफ गुणा डी करते हैं, एफ गुणा डी यानी एफ को कर दो डी से गुणा, एफ को कर दो डी से गुणा माइनस के 700, इसको इससे गुणा किया 14 को माइनस के 80 से गुणा करेंगे, 8 चौक कितने हो गए 32 हो गए, 8 एकम 8 और 3 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, माइनस के 1120 आ जाएंगे, 19 चौक को 40 से गुणा करेंगे तो देखो कितने आ जाएंगे 9 चौक 36 और 4 एकम 4 3 7 आ जाएंगे, यानी गुणी चौक छिन्तर ये एक आगे माइनस के 760 आ जाएंगे, ठीक है। यहां से इसको इससे गुणा करेंगे तो आपका 00 ही आएगा, 20 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाता है 400, यहाँ पे 80 को 10 से गुणा करते हैं तो आ जाएगा 800, और 100 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 500। जो हमारा कल्पित माध्य से माध्य निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस यानी अक्ष बार बराबर क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ होता है, यानी सिग्मा एफ डी यानी कि हमारा ये आया है ना इसका योग कर लो, और सिग्मा एफ यानी इसका योग कर लो, यानी सिग्मा एफ का जो योग है वो हमारा आ जाएगा 100 आ जाएगा, और यहाँ से सिग्मा एफ डी का मान है वो बेटा देखो जोड़ लेना आप, देखो यहाँ पे जोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि देखो जोड़ बाकी है स्टैंडर्ड पे हो, बेटा कमेंट कर देना किसी को जोड़ में भी दिक्कत आ रही है तो। यहाँ पे जो इसका जो जोड़ है वो आ जाएगा माइनस के 880 आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में मान पुट करो, ए का मान हमने 900 माना है और प्लस में सिग्मा एफ डी यानी माइनस की कितनी है 880 है, और बट्टे में कितना है आपका इतना है, अक्ष से बार बराबर ये 900 है, यहाँ पे ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, 10 से 10 कट गया और 88 में 10 का भाग देख दिया तो 8.8 आ जाएगा, अक्ष बार बराबर। अब इसमें से ये घटा दो, अब ये घटाना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा और पॉइंट के नीचे पॉइंट आने के बाद में आपको घटाना है तो देख लो कैसे घटाएंगे, 900 है इसमें से घटाना है 8.8,
ये 8 है यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट ये आ जाएगा, ठीक है। जीरो में से 8 जाएगा नहीं कटेगा, एक हासिल ले लेगा, 10 में से 8 गए 2 बच गए, यहाँ पे ये 9 हो गए, 10 में से ये जाएंगे तो 1 बच जाएगा, और ऐसे करते करते आपके पास जो संख्या है वो आ जाएगी 891.2। इसका जो सही उत्तर है वो आपके पास आ जाएगा 891.2। यानी कल्पित माध्य विधि से हमने माध्य ज्ञात कर लिया, वो कैसे ज्ञात किया वो भी बताऊंगा, और जो हमारे आंसर आए वो ये आए। सबसे पहले हमें क्या दिया होगा, अक्ष दिया होगा या फिर वर्ग अंतराल दिया होगा। जो आपके बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें वर्ग अंतराल दिया है, और जो हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो वर्ग अंतराल वाले आएंगे। यानी समांतर माध्य से भी क्वेश्चन आएगा, वर्ग अंतराल वाला आएगा, यानी छोटा क्वेश्चन तो वैसे बन सकता है। और यहां से एफ दिया होता है, सबसे पहले कल्पित माध्य से माध्य ज्ञात करना है तो ए का चूज किया जाता है, ए यानी कल्पित माध्य। या तो आपको पर्टिकुलर वो बता देगा कि भाई इससे ज्ञात कर लो, या फिर आप बीच वाला कोई भी निकाल लेना और उससे आपको क्या करना है, अक्ष वाली जो सीरीज है उसमें से एक नंबर चूज करना है, वो आपका कहलाएगा ए यानी कल्पित माध्य। जो हमारा फॉर्मूला है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ सिग्मा एफ। यहां से हम निकालेंगे डी और उसके बाद में निकालेंगे एफ गुणा डी, इन दोनों का योग करेंगे, एफ का योग कर लेंगे, सिग्मा एफ डी का योग कर लेंगे यानी सिग्मा एफ डी। और फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एफ, वैल्यू पुट करेंगे, पहले इसको हल करेंगे उसके बाद में यहां से जो आंसर हमारे इतने आ जाएंगे, ठीक है। चलिए यहां से इसका देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे भार दे रखा है किलो में, और जो मजदूरों की संख्या है यानी कि एफ दे रखा है यहाँ पे, जो भार है वो आपका क्या है, अक्ष मान लिया इसको, ठीक है। अब कई इसके बाद जैसे स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन आएगी ना उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दे दिया जाएगा अक्ष की जगह, वो उसके बाद में अक्ष की वैल्यू उसमें वर्ग अंतराल में से ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये है तो बिल्कुल यही पे इसकी यही बातें करेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये मजदूरों की संख्या दे दी, और उसके बाद हमें निकालना है क्या, डी का मान निकालना है। डी कैसे निकालते हैं, अक्ष में से ए को घटाते हैं। डी कैसे निकालते हैं, अक्ष में से ए को निकालते हैं। ए क्या होता है, ए होता है कल्पित माध्य। यहाँ पे हमने ए कितना माना है, यहाँ पे हमने ए माना है जो बीच का होता है या फिर पर्टिकुलर दिया हुआ होता है, तो मैं बीच का ये मान लेता हूँ 62, ठीक है। 62 मैंने मान लिया ए यानी कल्पित माध्य। और अब क्या करते हैं, अक्ष में से ए को घटाते हैं। अक्ष में से ए को घटाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1, प्लस के कितने आ जाएंगे 2, और प्लस के आ जाएंगे 3, ठीक है। ये इतना आ गया, डी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम निकालते हैं एफ गुणा डी। एक एक स्टेप को समझते चलना है और एक एक स्टेप निकालनी जरूरी है, ठीक है। यहां से हम देखते हैं एफ गुणा डी, एफ मेरे पास ये है और डी ये है, 5 गुणा माइनस का 2 यानी कि माइनस के 10, 8 गुणा माइनस का 1 यानी माइनस का 8, 14 को 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 16 को 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, बीच में रह गया क्या कोई, हाँ 16 को 1 से गुणा करेंगे 16, 10 को 2 से गुणा किया 10 दूनी 20, और 7 को 3 से गुणा किया 21, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिएगा, उसके बाद चाहिएगा हमें इनका योग यानी कि सिग्मा एफ चाहिएगा, एफ का योग यानी सिग्मा, ठीक है। यहां से जब इसका योग किया जाता है तो वो योग आ जाता है आपका 60, ठीक है। अब ये योग आपका 60 आ गया, और यहाँ पे एक और हमें ये चाहिएगा सिग्मा एफ डी। अब इसका जब योग करते हैं, देखो माइनस वाले को तो अलग कर लेना, माइनस के तो हो गए 18, और प्लस वाले अलग हो जाएंगे 20 और 20 40, 40 और 10 हो गए 50, 50 और 6 हो गए आपके कितने 56, और एक और भी 57, यानी इनका योग हो जाएगा 57। इन दोनों का जब योग या फिर मतलब इसको इसमें से घटाएंगे, ये प्लस का एक माइनस का है, ठीक है, तो यहां से आपके पास बटन बचेंगे 39 बचेंगे, ठीक है, 39 बच गए। अब इसके बाद हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला कौन सा है देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा। फॉर्मूला आपके पास होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में कितना होता है सिग्मा एफ। ए का मान कितना माना था हमने 62, और प्लस में सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी इतना कितना है 39, सिग्मा एफ डी कितना है 39, और एफ की वैल्यू है 60। कहने का मतलब यही है मोटा मोटी में कि 39 में 60 का भाग दो। अब देखो भाग देने में प्रॉब्लम हो रही कि भाई 39 में 60 का भाग कैसे दे, तो यहाँ पे क्या करना है, एक बार जीरो को भूल जाना है, एक बार आपको जीरो को भूलना है, यहाँ से भाग दो
देखो बेटा कितना आ गया, 6 5 30 और 6 6 36, 6 बार भाग चला गया, उसके बाद आ जाएगा पॉइंट, आ जाएगा पॉइंट, आ गया आगे 3 बज गई, 0 लगा लिया, 6 5 30 यानी पूरा पूरा भाग चला गया। अब देखो ये 0 हमने काम में नहीं लिया था, इस 0 की वजह से ये जो पॉइंट है ना एक स्थान इधर खिसक जाएगा, यानी कि इसमें इसका भाग नहीं है ना, तो ये कितना आ जाएगा 0.65 आ जाएगा। जब 62 में 0.65 जोड़ा जाता है तो मेरा जो आंसर है वो निकल के आता है देखो 62.65। बोलो कोई दिक्कत है कि यहां तक, इसमें कोई दिक्कत है, आंसर आ चुके हैं, मिलान कर लेना। कई बार ऐसी होती है कैलकुलेशन में भी आपको देख कर लिखता हूँ, देखो वो बात अलग है, कई छोटी कैलकुलेशन में भी फटाफट करवा देता हूँ, बड़ी कैलकुलेशन होती है टाइम लगता है फालतू में, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ फटाफट उसको देख के लिख देता हूँ। ऐसे मैं देखना सर को आता नहीं है, वो है वो है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव कमेंट जो भी आते हैं आपके दिमाग में आते रहेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। और करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि ऐसे बड़ा क्वेश्चन दिखते ही क्या होता है बच्चों के मन में डाउट आ जाता है, सर इसको तो बीच करना नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। देखो ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं होती, ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना बिल्कुल इजी वे में होते हैं, वो का वो तरीका रहता है, बस इसमें एक ही चीज का डिफरेंस होता है, यहाँ पे ये वर्ग अंतराल एक्स्ट्रा दे दिया। अब ये वर्ग अंतराल दे दिया ना, तो यहाँ से अब क्या करेंगे, अक्ष का मान निकालेंगे। अक्ष क्या है, इन दोनों का मध्यमान ले लेंगे, वो अक्ष की जगह काम करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे यहां से अक्ष, अक्ष को बोलते हैं मध्यमान, लिख लेना आप, ठीक है, मध्यमान। अब देखो 100 और 150 है, इनके बीच का मध्यमान निकालना है। जब भी आपको मध्यमान निकालना है तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्या चीज ध्यान रखोगे कि मध्यमान निकालने के लिए जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ना दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, वो क्या आ जाएगा, उसका मध्यमान आ जाएगा, ठीक है। यहां से देखो मध्यमान निकालते हैं, 100 और 150 का मध्यमान वैसे सीधा 125 होता है, नहीं आ रहा तो दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो, यहां से 175 आ जाएगा, उसके बाद 225 आ जाएगा, 275 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे भी 325, 375, 425 और 475, ये मैंने मध्यमान निकाल लिया, ठीक है, ये मेरा मध्यमान आ चुका है। उसके बाद देखो कल्पित माध्य विधि से कर रहे हैं तो यहाँ पे जाहिर सी बात है डी का मान नहीं लिया जाएगा, और डी का मान कहां से आएगा, अक्ष माइनस ए से आएगा। अब बात आई कि ए कहां से लूं, ए का मतलब कल्पित माध्य होता है, और ए ऐसा नंबर चूज करना है जो अक्ष में से बीच का हो। अब इसमें से चूज नहीं करेंगे, इस अक्ष में से करेंगे क्योंकि मध्यमान ये है। अब इसमें से देख लो भाई कोई बीच का सा कर लो, ये 325 इसको मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, मध्यमान निकालना है यानी कि अक्ष में से डी को 125 और माइनस के 325, तो माइनस के कितने बच गए, 200। 175 और माइनस के 325, 175 और माइनस के 325, देख लो यहाँ पे कितने बच गए, 175 यानी कि 25 तो ये बच गए। देखो ऐसे कर लिया करो, 25 तो ये बच गए, ये हो गए 200, फिर 300, ये बच जाएंगे आपके माइनस के 150, ऐसे कर लिया करो, ठीक है। ये माइनस के प्लस के 225 और ये 325 है, माइनस के क्या बच जाएंगे, 100 बच जाएंगे। उसके बाद में ये आ गया यहाँ पे 275 और 325 में कितना बच डिफरेंस है, ये देख लो यहाँ पे माइनस के 50 बच जाएंगे। देखो 25 तो ये ऊपर वाले 25, ये तो माइनस के 50, यहाँ पे 00 आ जाएगा। अब 375 कितने ज्यादा है 325 से, तो वो का वो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। यहाँ पे 425 है तो 425 कितने ज्यादा है, 425 किससे ज्यादा है, यहाँ पे देख लीजिए 425, 325 और 425, वो का वो डिफरेंस आ जाएगा, देख लो 325 और ये देखो 75 तो यहाँ से गए और आपकी 75 ये 75 तो ये और 25 ये, तो यहाँ पे कितने हो गए, 100 हो गए, ठीक है। और ये है आपके 475 है और यहाँ पे 325 और 75 तो ये हो गए, 75 ये हो गए, यानी कि 150 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। उसके बाद में निकालते हैं क्या, एफ गुना डी निकालते हैं, ये एफ और ये डी, एफ गुना डी निकाला। एफ गुना डी कैसे निकालते हैं, ये आपका डी रहा, ये एफ रहा, 24 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 48 आ गया, 207 में है और ये माइनस आ गया। यहाँ पे 15 चौक कितने होते हैं, 60 होते हैं, 107 में ये रखा, 10 ये रहा और ये माइनस लगाया। 33 को माइनस के इससे गुणा किया तो माइनस के 33 और 207 में है। 28 को 50 से गुणा किया तो 140 आ जाते हैं, शायद देख लेना 140 आ जाते हैं, साथ में 0 हो रहा है। 28 को 5 से गुणा 140 आ जाते हैं, साथ में 0 हो रहा है। 30 को 00 से गुणा किया 00,
22 को 5 से गुणा किया 110 आते हैं और ले 0 और है। 16 को 1 से गुणा करेंगे 16 और साथ में 2 0 और है। 7 को 15 से गुणा किया, देखो 7 5 35, 7 एकम 7 और 3 10 105 होता है और साथ में 0 और आ गया, यानी कि 1050। वैल्यू मेरी सारी निकल के आ चुके हैं। एफ गुणा डी निकाल लिया, उसके बाद हम निकालते हैं सिग्मा एफ का मान। सिग्मा एफ डी का मान, एक चीज को मेरे को सिग्मा एफ का मान, मैं देखो देख के लिख देता हूँ। सिग्मा एफ डी का जो मान है, सिग्मा एफ डी का मान आएगा माइनस की 11750, माइनस की 11750। और सिग्मा जो एफ का मान है वो आप इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ यानी एफ का योग, वो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से बात आती है कि अ फॉर्मूला, फॉर्मूले का काम हो जाता है और काम हो जाता है अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में कितना होता है सिग्मा एफ। अक्स बार बराबर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी यहाँ पे 325 मानी थी, 325 प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू है माइनस के 11750 और बटे में ये लिखे 200। अब देखो ये माइनस है ना, यहाँ पे आ जाएगा 325 माइनस, अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद इस दो को भूल जाओ एक बार, अब इसमें भाग दे दो, 2 5 10, 1 बच गया 7, 2 8 16, 2 बच गए ना, 1 बच गया और 5 2 7 14 आगे 1 बच गया, पॉइंट लगाना पड़ेगा 5 10, इतना आ जाएगा ना। अब देखो इस जीरो का काम मेरा हुआ नहीं था, तो इस जीरो की वजह से मेरा ये जो पॉइंट है ना वो इधर खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। अब मेरे पास कितने बच गए, 325 माइनस में बच गए 58.75। ठीक है, अब 325 में से ये घटाना है आपको, अब 325 में से ये घटाओगे ना तो आपके आ जाएंगे 266, 266.25 आ जाएंगे, घटा के देख लेना भाई। ठीक है, 325, अब देखो अब घटाने का तरीका देखो ये रहेगा आपका 325 ये रहे और पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट नहीं है तो पॉइंट को बाहर से खेल दो और ये रह जाएगा, ये जीरो और ये जीरो, अभी से इसको कम किया तो 5 आ जाएगा, यहां से किया 2 आ जाएगा, यहां से करने के बाद ये 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहां से दोबारा 6 आ जाएगा और उसके बाद 2 आ जाएगा। बताओ ये आंसर ये है और समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, पानी का खर्च ये दे रखा है 15 से 20 रुपए, 20 से 25 रुपए, 65 से 70 रुपए। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस नहीं है, थोड़ा सा ऐसे देख लेना ध्यान से, जो आवाज ही आ रहा है तो आपका। ठीक है, जो मकानों की संख्या है वो ये है, पानी का खर्च ये है, मकानों की संख्या ये है, यानी कि ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। अब वर्ग अंतराल से हम निकालेंगे मध्यमान, मध्यमान यानी क्या होता है अक्ष निकालेंगे, सबसे पहला काम अक्ष। देखो 15 और 20 को जोड़ेंगे और दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो जो इसका मध्यमान है वो कितना जाएगा 17.5 निकल कर आएगा। ठीक है, उसके बाद जो 20 और 25 है इसका जो मध्यमान है वो कितना निकल कर आएगा, 20 और 25 के बीच के अंदर आएगा इसका 22.5, 25 और 30 के बीच में इसका जो मध्यमान है दोनों को जोड़ना 2 का भाग देना निकल कर आएगा 27.5, ऐसे करते करते इसका आ जाएगा आपका 32.5, यहाँ पे इसका आ जाएगा आपके पास 32 हो गया ना, अब आ जाएगा 37.5, 37.5 के बाद में आ जाएगा 42.5, 47.5, 52.5, 57.5, 62.5 और यहां पे लास्ट में आ जाएगा 67.5। ठीक है, एक्स का मान निकाल लिया, उसके बाद निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी की वैल्यू क्या होती है, अक्स माइनस ए, इतना समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अक्स माइनस ए, अक्स की वैल्यू तो आपके सामने है। ठीक है, अब बात आई कि ए क्या है, ए क्या है कल्पित माध्य, और ए क्या मान रहा हूं मैं, इसके बीच का सा मान रहा हूं, यानी कि 42.5 मान रहा हूं, कोई सा भी मान लेना आप, जो बीच का सा होना चाहिए या फिर पर्टिकुलर आपको दिया होगा। ठीक है, यहां से मैंने 42.5 मान लिया, यहां से आपके पास ये है कितना 17.5, देखो इसका 2.5 उठ जाएगा, इसका 2.5 उठ जाएगा और यहां से जो इसका जो कैंसिल करेंगे वो निकल कर कितना आएगा, माइनस के 25 निकल कर आएंगे। माइनस के 25 क्यों, क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं। उसके बाद इसका आ जाएगा 20, उसके बाद इतना आ जाएगा 15 और उसके बाद आ जाएगा 5, सॉरी कहीं भी गलती हो गई क्या, एक बार देख लो आप,
यहाँ पे ये 20 हो गया, उसके बाद 27.5 और ये है 42.5। देखते हैं घटा के, 42.5 और ये 27.5, देख लो कितना आ रहा है, 0। 12 में से 7 जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 5, और यहाँ पे आ जाएंगे 15, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आ गए 5 और यहाँ पे 10 आ जाएंगे, सॉरी ये गलती हो गई ना, और ये है यहाँ पे आ गए 5, अब 0 आ जाएगा। और अब ये संख्या उल्टी करते चलो, 5, 10, 15, यहाँ पे ये जो संख्याएं थी मेरी माइनस की आ रही है, ठीक है, और ये 15 होने के बाद में यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 और ये आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये संख्या है इनकी प्लस की, ये इनकी माइनस की। अब जो ये कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इसका एक रीजन ये रहता है कि जब भी आप जो कल्पित मानते ए का मान जब बीच का सा मानते हो ना, तो जो ऐसी संख्याएं बचती है यानी कि ऊपर माइनस की सेम सी संख्या बची है, और वो की वो संख्या आपकी पॉजिटिव नंबर में आ जाएंगे। ये कंक्लूजन निकलता है इसका, जो बीच में मानते हैं ना, देखो हमने माना था बीच का सा माना था, तो एक स्टेप तो ऐसे आएगी कि वहां पे 0 आ जाएगा, बी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जो आगे की बात यह है, यहां से माइनस के 5, 10 एक अंतर फिक्स होगा, उस अंतर के अकॉर्डिंग चलेंगे, और उसके बाद वो की वो नंबर आ जाएंगे पॉजिटिव में, ठीक है, पॉजिटिव आएंगे वो की वो नंबर, क्योंकि हम बीच का सा ले रहे हैं, ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए इसके बाद में f गुणा d निकालो, f गुणा d निकालो भाई। f गुणा d कहां पे है, ये तो रहा f, ये तो है f मकानों की संख्या, और ये रहा आपका d। 25 सात कितना होता है, 7 5 35, और 7 2 7 2 कितना होता है, 14। 14 और 3 आपके कितने होते हैं, माइनस का आ जाएगा 20 5 100, माइनस के 7 और 15 5 7 5 35, 7 1 7 और 3 कितने हो गए, 10 105, ये देख लेना है यहाँ पे, ठीक है, माइनस का है। उसके बाद ये इसको गुणा किया, माइनस के 80 9 5 माइनस के 45, ये 0 से गुणा होगा, सारी टर्म 0, 7 5 कितना होता है 35, 5 10 कितने हो गए 50, 15 4 60 होते हैं, कहीं पे गलती हो जाए तो भाई देख लेना, 20 4 20 3 60, 20 4 80 और 25 3 75, कहीं पे गलती हो जाए तो देख लेना। मैं बार बार कहता हूं गलतियां इंसान से ही होती है, जोड़ में डेफिनेटली गलतियां रह जाती है, एक दो बार ऐसे बोलता कुछ और हूं, लिख देता कुछ और हूं। अब उसके बाद में निकालना है सिग्मा एफ, जब सिग्मा एफ का मान है ये, यानी इसको जोड़ो, इसको जोड़ के आप बताओ कमेंट करके, और मैं देख के लिख रहा हूं, यहां से एफ का मान आ जाएगा, सिग्मा एफ का मान आ जाएगा 670। उसके बाद में सिग्मा एफ डी गाने को, यानी इसका योग करना है। अब देखो बेटा क्या करना है इसमें, ये जो माइनस वाले हैं उनको तो अलग जोड़ना है, एक बार जो प्लस वाले हैं उनको अलग जोड़ना है, और उसको घटा देना है, माइनस के बच रहे हैं तो माइनस के, और यहां से हम जोड़ेंगे तो माइनस के ही बचेंगे, माइनस के कितने बच जाएंगे, 205 ही ना, ठीक है, माइनस के 205 बच गए। अब देखो माइनस के 205 है, सिग्मा एफ का मान मेरे पास है, फॉर्मूला मेरा क्या रहता है, अक्स बार बराबर क्या रहता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे में कितना आता है सिग्मा एफ, अक्स बार बराबर ए की वैल्यू यहाँ पे मैंने कितनी मानी थी 42.5, प्लस सिग्मा एफ डी की वैल्यू माइनस के 205 और बट्टे में कितना सिग्मा एफ यानी 70, ये माइनस है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखो 42.5 तो है और ये माइनस है, अब देखो इस जीरो को छोड़ जाओ, एक बार भूल जाओ, 7 2 14 कितने, दो बार भाग चला गया, 6 बच गया, आगे 5 है, 7 4 28, 7 5 35, 7 7 49, आगे कितने बच रहे हैं, 6 बच रहे हैं ना, और आगे 5 है, तो यहाँ पे 63 यानी 9 बार भाग चला जाएगा, ठीक है, 9 बार भाग चला जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे 9 बार भाग चले जाने के बाद में देखो यहाँ पे देखो 6 है और 5 थे आगे, है ना, 6 थे और 5 थे, 63 में भाग चला गया, 2 सेंस बच गए, अब पॉइंट आ जाएगा, 0 लगा लिया, 7 2 14, 2 बार भाग चला गया। देखो लेकिन मेरा जो काम है वो यहीं पे नहीं हुआ है, और ये 0 है, इस 0 की वजह से ये पॉइंट है, मैंने 0 को काम में नहीं लिया था, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो मेरे पास जो आंसर है वो कितने आ रहे, 42.5, माइनस के 2 पॉइंट कितने हैं, 9 2। अब इसको इसमें से घटाना है, अब इसको इसमें से घटाते हैं, देखो घटा के दिखाता हूँ, कौन सा मिटाऊं बोलो आप, ये मिटा देता हूं, यहाँ पे ये 42.5 है और ये 2.92 घटाना है, यानी 2.92 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाता है, ठीक है, उसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा लिया,
देखो 10 में से 2 जाएंगे तो आपके बचेंगे कितने, 8 बचेंगे। यहाँ पे देखो इसकी वजह से ये 0 हो गया, अब ये यहाँ पे बच जाएंगे 5। ये पॉइंट आ गया, अब ये बढ़ गए यहाँ पे कितने, 12 में से जाएंगे 3, 12 में से 3 जाएंगे 9 बच जाएंगे, और यहाँ पे एक कम हो गया, ये आ गया 39.58। एक पॉइंट की मिस्टेक हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कमेंट कर देना समझ में आया कि नहीं आया। बार बार कहता हूँ कमेंट किया करो, कमेंट किया करो, काफी ज्यादा फर्क पड़ता है कमेंट का, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, कोई चीज दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी रीजन हो सकता है कमेंट का, तो कमेंट इज नेसेसरी, ठीक है। करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 का सेकंड लास्ट, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और बचेगा। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, एक शहर में एक विशेष वर्ग में एक रोग से पीड़ित रोगियों को आवंटन दिया गया है, आयु का आवंटन दिया गया है, प्रति रोगी औसत आयु, ये औसत आयु देगी वर्गों में, ठीक है, और ज्ञात करनी है औसत आयु, ज्ञात करनी है प्रति रोगी औसत आयु, ज्ञात करनी है। सबसे पहले आयु दी गई है वर्षों में, आयु दी गई है वर्षों में, एफ यानी फ्रीक्वेंसी बारंबारता दी गई है, और आगे हम सबसे पहला काम होता है हमारा अक्ष का मान निकालना यानी मध्य मान को निकालना। अब मध्य मान कैसे निकाला जाता है, दोनों को जोड़ा, दो का भाग दिया, यानी इसको जोड़ के भाग करेंगे तो 9.5, उसके बाद में 19.5, उसके बाद में 29.5 और 39, ये आ जाएगा 49.5 और ये आ जाएगा 59.5। जो आपका मध्य मान है वो कितना आ जाएगा, जो मध्य मान है बीच का सा मानते हैं, मैंने मध्य मान तो हो गया, यहां से मैंने ए की वैल्यू ये निकाल ली, उसके बाद मैं क्या करता हूँ डी की वैल्यू निकालता हूँ, यानी अक्ष माइनस ए करता हूँ डी की वैल्यू, ठीक है, कि डी यानी अक्ष में से ए को घटाएंगे, यानी 9.5 में से आप 29.5 को घटाओगे तो आपके अब बच जाएंगे 20 बचेंगे, वो भी माइनस की, यहाँ पे 10 बच जाएंगे, यहाँ पे 0, उसके बाद ये है 39.5, ये आपके कितने हैं 29.5 प्लस के 10 बच गए, ये कितने हैं 49.5 और ये है, ये आपके बचेंगे 20 और यहाँ से बचेंगे कितने 30। अब यहाँ से आपने डी भी निकाल लिया और अब निकलेगा क्या एफ गुणा डी, यानी कि एफ को डी से गुणा कर दो, एफ गुणा डी निकालना है तो एफ को डी से गुणा करना है, ये रहा डी और ये रहा एफ, तो माइनस के कितने हो गए 120, 11 को इससे गुणा किया माइनस के 110, ये 0 चल ही रहा है, 23 को 10 से गुणा किया 230, 14 दुनी कितना होता है 28 यानी 280 और 5 दिए 15 यानी कि 150। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है। अब हमें क्या चाहिएगा फॉर्मूले में, एक तो चाहिएगा सिग्मा एफ डी यानी एफ डी का योग, एक चाहिएगा मेरे को सिग्मा एफ यानी कि एफ का योग, यहां से इसका योग सिग्मा जो एफ का योग है वो आपका आ जाएगा 80, एफ का योग आ जाएगा 80 और इसका जो योग है वो आ जाएगा 430। अब इसका सिग्मा एफ डी का मान आ गया, सिग्मा एफ का मान आ गया, उसके बाद में फॉर्मूला आपको याद होगा ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में कितना सिग्मा एफ, अक्स बार बराबर ए की वैल्यू हमने कितनी मानी थी 29.5 और प्लस में सिग्मा एफ डी की वैल्यू आई है 430 और बटे में सिग्मा एफ की वैल्यू है मेरी एफ पी, 10 से 10 कट गया, कितना आ गया 29.5 तो चल ही रहा था और 43 में 8 का भाग दिया तो 8 × 5 = 40, 5 बार तो पूरा पूरा चला गया, अब भाग नहीं जाएगा पॉइंट लगा लो, आगे बच गए 3, आगे लगाया 0, 8 × 3 = 24, 3 बार भाग चला गया 6 बच गए, 8 × 7 = 56, 2 अक्षरों पे दे दिया मैंने भाग, अब क्या करना है दोनों को ऐड करना है 29.5, ऐड करने का तरीका पॉइंट के नीचे पॉइंट और आगे संख्या है वो ऐसे लिख दो, और यहाँ पे कौन सी संख्या बच रही है ये बच रही है, दोनों को ऐड करोगे तो ये 7, 5 और 3 = 8, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 और 5 कितने हो गए 14, 2 और 1 हो गए 3, अब ये इसके आंसर आ गए 34.87। बोलो कोई दिक्कत है, अब 2 अक्षर तो मैक्सिमम निकालो ही निकालो, मिनिमम सॉरी 2 अक्षर तक तो निकालना ही है और 3 तक निकालो तो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन पूरा अगर आपने ऐसा कर दिया ना पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है मेरे पास, ये मेरी क्या बोलता हूँ इसका माइनस पॉइंट है, जल्दी ही आपका सपोर्ट रहा तो आपके लिए डिजिटल कोड लेकर आऊंगा, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो जरूर लेकर आऊंगा, बहुत जल्दी लेकर आऊंगा, क्योंकि आपकी हर इच्छा को मैं पूरी करने के लिए तैयार रहूंगा, आपके हर सिलेबस आपके हर वादों पे पूरा खरा उतरूंगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया कमेंट कर देना, अगला इसका लास्ट क्वेश्चन और बचा है, ठीक
ठीक क्वेश्चन है और इसके जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक चलो करते हैं सा लास्ट क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे जो आपकी वैल्यू दी गई है वर्गांतराल दिया गया है 40 से 50 और 90 से 100 तक। f का मान दिया गया है बारंबारता। सबसे पहले निकालते हैं अक्ष का मान। अक्ष का मान निकालो भाई, 45 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 65, 75, 85 और ये लो 95। उसके बाद निकालते हैं d। d बराबर होता है अक्ष माइनस a। d बराबर होता है अक्ष माइनस a। अक्ष माइनस a, अब a की वैल्यू मैं कितनी मानूं यहां से। a की वैल्यू देखो यहां पे ये यह 3 ऊपर है या 3 नीचे है, मैं 65 मान लूं क्या। a की वैल्यू कितनी मान लूं, 65। या तो पर्टिकुलर आपको दी गई है और नहीं दी गई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने 65 मानी है। यानी कि अक्स माइनस ए 45 में से 65 जाएंगे तो माइनस के 20 बचेंगे, ये माइनस के 10 और यहाँ पे 0, यहाँ पे वो का वो तरीका प्लस के 10, प्लस के 20 और प्लस के 30। ठीक है, बोला था मैंने एक ऐसी संख्या को चूज करना है आपको जिससे कि ऊपर आपके नेगेटिव बचेंगे नीचे पॉजिटिव बचेंगे, ऐसे कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सीधे सीधे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। आगे चलते हैं, एफ गुणा डी निकालते हैं। F गुना D निकाला है यानी कि F को D से गुणा कर दो, F को D से गुणा करेंगे तो यानी कि आ जाएगा माइनस के 200, ये माइनस के 250, ये 00 चल रहा है, 12 को 10 से गुणा किया 120, 10 को 20 से गुणा किया 20 10 कितने होते हैं 200 और 15 3 कितना होता है 45 यानी 450। जब सिग्मा F का मेरे को मान चाहिएगा, F का योग यानी कि सिग्मा F, जब इसका योग किया जाता है तो योग कर लो भाई, 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 आपके कितने हो गए 60, 60 और ये कितने हैं 20 80 और ये हो गए 90 और ये हो गए 100। ठीक है, सिग्मा एफ का मान इतना आ गया। एफ डी को जोड़ोगे यानी कि सिग्मा एफ डी, एफ डी का योग। अब इनको जोड़ा तो आपके पास हो गए माइनस के कितने 450, और इनको जोड़ोगे तो आपके कितने हो गए 400 200 600 700 750 और 770, प्लस के हो गए आपके पास 770। ठीक है, यहां से अब इसको घटाया जाएगा यानी कि 770 में से इसको कम किया जाएगा, माइनस के कम है लेकिन घट जाएंगे, और यहाँ पे देखो 50 तो एक बच गए, 50 तो ये बच गए, ये हो गए, यानी टोटल आपके पास कितने बचेंगे 320 बचेंगे। जो मेरा फॉर्मूला है वो लिखो एक बार, रिपीट कर लो, a प्लस सिग्मा एफ डी और अपॉन में सिग्मा एफ। अक्स बार बराबर a की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी, यहाँ पे a की वैल्यू मानी थी मैंने 65, प्लस में सिग्मा एफ डी की वैल्यू 320 और बट्टे में सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया और इस जीरो की वजह से ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा यानी 65 और प्लस में 3.2, दोनों को जोड़ेंगे तो 68.2। बोलो कोई दिक्कत है क्या, 68.2 ये आपके आंसर आ जाते हैं। यहाँ पे जो आपका चैप्टर है बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है, कोई बोर्ड में लिखने में दिक्कत आ रही है, तो बेटा सारी प्रॉब्लम का हल एक ही है जब आप कमेंट करोगे, आपके कमेंट से ही सारा कुछ होने वाला है, वरना मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे नहीं पता चलने वाला है कि भाई उन बच्चों को दिक्कत क्या आ रही है। ठीक है, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा और बेल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना क्योंकि इससे भी अच्छे वीडियो आने वाले हैं। ठीक है, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, शहीदों को नमन, राम राम सब।